प्रदेश में भारी और अति भारी बारिश से अब आमजन को थोड़ी राहत मिल पाई है। जी हाँ, सावन महीने की शुरुआत से शुरू से ही बारिश का दौर भादवे में आकर थोड़ा कमजोर हुआ है। फिलहाल प्रदेश में पिछले 2 दिन से बारिश के दौर में कमी आई है और अगले 2 दिन भी कमी बनी रहने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश में बना लो प्रेशर एरिया राजस्थान से होकर अब अरब सागर की ओर आगे बढ़ रहा है और इस तंत्र के प्रभाव से राजस्थान के अधिकांश जिलों में भारी और भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर की माने तो मौसम केंद्र जयपुर की जानकारी के अनुसार आज 30 अगस्त शुक्रवार को राजस्थान के धौलपुर, अजमेर और नागौर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र की मान के चले तो 1 सितंबर से वापस प्रदेश में भारी और अति भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है, जो 1 सप्ताह तक जारी रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में कुल मिलाकर सामान्य से 51% औसत बारिश दर्ज की जा चुकी है और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो 38% सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में औसत से 75% अधिक बारिश दर्ज की गई और उदयपुर संभाग के अधिकांश जिलों में औसत से कम बारिश दर्ज की जा रही थी, लेकिन पिछले दिनों बने मौसम तंत्र के प्रभाव से उदयपुर संभाग के अधिकांश जिलों में हुई बारिश से वहां के जिलों में औसत बारिश दर्ज हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार कुल मिलाकर कहा गया कि इस बार मॉनसून प्रदेश में झमाझम बरस रहा है, जिसके चलते सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जा रही है। फिलहाल प्रदेश में मॉनसून की विदाई में अभी काफी समय शेष है और जिसके कारण प्रदेश के सभी जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज होने की संभावना बन रही है।